जयपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व जिला संगठन प्रभारी अर्जुन तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन में 9 नवंबर को दोपहर 1 बजे को जयपुर विधानसभा कांग्रेस कमेटी द्वारा किकिरदा से भारत जोड़ो सह पद यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की विफलता को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में जैसे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पद यात्रा कर रही है उसके तर्ज पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हर पोलिंग बूथ पर भारत जोड़ो सह पद यात्रा कांग्रेस पार्टी का जाएगा। उसी तर्ज पर आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और आज के हमारे पद यात्रा के प्रभारी आदरणीय बलराम गौटिया जी के साथ में हम लोग पद यात्रा करने पर निकले हुए हैं और ये हमारा पद यात्रा हर बूथ में जाएगा और जो केंद्र सरकार की जो विफलता है और केंद्र सरकार जो दुष्प्रचार कर रही है और केंद्र सरकार जो पूरा एजेंडा लगा कर अमीर को अमीर करने का काम और गरीब को गरीब करने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है उसको उजागर करने के लिए सांसद भूपेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये भारत जोड़ो सह पद यात्रा आज ककिरदा से प्रारंभ होकर कही पहुँचा हुआ है। ये हमारे जयपुर विधानसभा के 270 पोलिंग बूथ में जाएगा। ग्रामीण भारत टीवी के लिए जयपुर छत्तीसगढ़ से शशिकांत बघेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।